स्टार्ट कर दीजिए। प्लीज बात मत कीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए। हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, अब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ सुनाई पड़ रहा है? ओके, लिखिए। इल्यूमिनेटिंग द सरफेस ऑफ ए सर्टेन मेटल, इल्यूमिनेटिंग द सरफेस ऑफ ए सर्टेन मेटल विथ टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट वन बाय वन। कॉमा लैम्डा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट का यूज किया गया सर्टेन मेटल पे, जिसमें वन ऑफ द लाइट का लैम्डा दिस वन है, दूसरे का लैम्डा ए है। इट वाज फाउंड दैट क्रॉस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट वाज फाउंड दैट क्रॉस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव रेशियो इक्वल टू टू इज टू वन। फुल स्टॉप। फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। किसका रेशियो है 2:1? मैक्सिमम स्पीड में तो के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन। अब आपको कन्फ्यूजन शायद थोड़ा हो रहा होगा कि सर कौन सा लाइट का स्पीड ज़्यादा रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, इसका लैम्डा कम है तो इसके फोटोन के पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसका लैम्डा ज़्यादा है तो इसका एनर्जी कम रहेगा,
तो इसका के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा होगा, इसका के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम रहेगा। सिंपल सा लॉजिक था। देखिए इतना सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। इसके क्रॉसपॉन्डिंग के वन मान लेता हूँ, लिख सकते हैं ना, इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वन यूज कर सकते हैं, माइनस फाइव। और लैम्डा वन ए माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो नैनोमीटर हो जाएगा। इस यहाँ देखिएगा, इसका दिस वन इक्वल टू 350 नैनोमीटर होगा। यूनिट तो कन्वर्ट करने आता है ना, माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 350 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले? हाँ, कन्वर्टन हो आ जाएगा, क्योंकि वी आर वेरी मच फेमिलियर विथ नैनोमीटर, राइट? क्योंकि वहाँ पे 1242 आ जाता है, 1242 EVNM, NMNM कैंसिल करने में हम लोग के लिए सुविधा होता है। और के टू के लिए एच सी वाई लैमडा टू माइनस फाइव। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। क्या इसके बदले हाफ एम वी वन स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू एच सी वाई लैमडा वन माइनस फाइव और एच सी वाई लैमडा टू माइनस फाइव। हाफ एम कैंसिल हो जाएगा। अब वी वन बाई वी टू, वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर का रेशियो, तो क्या वी वन बाई वी टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फोर हो जाएगा। फोर इक्वल टू एच सी बाई लैमडा वन माइनस फाइव डिवाइड बाई एच सी बाई लैमडा टू। इसका अलग से वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेशन में आसानी रहेगा, और इसका भी अलग से वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तब क्या ओनली अनोन इज व्हाट, फाइव हो जाएगा सॉल्व। यहाँ देखिए, बोर मॉडल का भी मैं एक क्लास असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। ठीक है, उतना क्लास में सॉल्व करवा लेंगे, और उसमें इतना सफिशियंट प्रॉब्लम है कि उसके बाद क्वेश्चन बैंक से आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो मोटा मोटी 80 प्रॉब्लम है उसमें, आसान से आसान और टफ से टफ। टफ तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी फॉर बेटर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंकन मेरा मार्कर शायद लगता है उस रूम में रह गया है जो सामने पढ़ा रहे थे, दे दीजिएगा। तो अब एक थ्योरी ध्यान से दिखेगा स्टूडेंट। सो मेनी टाइम्स ऐसा दिया रहेगा कि लाइट का लैम्डा न देखे, यहाँ देखिए लैम्डा न देखे लाइट का वेव का इक्वेशन दिया रहेगा, जस्ट लाइक दिस, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ध्यान सुनिएगा, एक फॉर्मेट तो ये रहेगा, तो भाई यहाँ ऐसे दिया रहेगा और तब आपसे पूछा जाएगा व्हाट द वैल्यू ऑफ के मैक्स, वर्क फंक्शन भी दिया रहेगा मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो टी का कोफिशियंट रहेगा साइन के अंदर, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है। तो क्या यहाँ से इस रिलेशन से आप ये निकाल पाएंगे? हाँ, इतना कुछ बोलिए तो न्यू निकल जाएगा ओमेगा वाई 2 पाई। एक थ्योरी में बता रहा हूँ, ठीक है, इस पर प्रॉब्लम मिलेगा आपको, और इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा तो वही आपके लिए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लगेगा, जबकि है कुछ नहीं, राइट? इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी दे दिए हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें होता क्या है ना कि जानबूझकर चैप्टर को कैसे मैं बोर मॉडल में कर रहा हूँ, जानबूझकर उसमें मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व कर रहा हूँ, बट वही चैप्टर मिक्स होने से थोड़ा टफ लगना स्टार्ट हो जाता है, बट है कुछ नहीं। जो बेस दो चैप्टर का क्वेश्चन को मिक्स करते हैं तो दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट मिला के करते हैं, लेकिन वही मिक्स होने से टफ लगने लगता है। ठीक है,
अब यहाँ से ये निकल जाएगा, एक तरीका तो ये है, और तब हम लोग क्या कर देंगे, केम एक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, न्यू मेरे हाथ में रहेगा। दूसरा है कि आप लोग तो ड्रॉपर वाइज के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा इक्वेशन भी तो देखे होंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी है ना। यहाँ देखिए एक कुछ नहीं भाई, एंगल है कि ये होता है वेव में 2 पाई बाय लैम्डा, क्या होता है तो 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई या नीचे में लैम्डा का मीटर, मीटर मीटर आपस में, क्योंकि इसका तो यूनिट एंगल होना चाहिए, साइन के बाद ब्रैकेट में तो यूनिट एंगल ही रहेगा ना। ओमेगा इंटू टी करते हैं तब भी क्या रहेगा, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, पढ़िए रेडियन पर सेकेंड, और नीचे में सेकेंड और ये सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या रेडियन, तो ए भी रेडियन ए भी रेडियन, और होना ही चाहिए था करेक्ट। एक फॉर्मेट ए रहेगा, लिख लीजिए। तो यहाँ से भी आप लैम्डा, अगर समटाइम्स के का वैल्यू दिया रहेगा तो के से भी आप निकाल सकते हैं लैम्डा, कैसे, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, जो भी जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा। एक तो तरीका ये रहे, लिखिए लिखिए भाई लिखना है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, करेक्ट, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी वाई। तो सम ए फार्मूला को नोट कीजिए, क्या बोले, हाँ जोर से बोलिए, के एक्स का नहीं बोला था, के इसका मतलब वेव का, वेव पढ़े वेव थ्रू फ्लाइट में, के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं वेव वेक्टर भी इसको बोलते हैं, तो 2 पाई बाय लैम्डा आई इन टू एक्स, ए मीटर आई मीटर कैंसिल, बचेगा क्या एंगल तो बचेगा। इसका मतलब है कि भाई ये तो नाम सुने ना, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, राइट, तो पाथ को एंगल में कन्वर्ट, पाथ डिफरेंस को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस जितना यहाँ पे ये फार्मूला देख लीजिए, तो यहाँ देखिएगा, ए कितना होगा भाई, देखिए तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लिखिए भाई थोड़ा तो मैथ में थोड़ा एफर्ट लगाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, इसका कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब रिक्वायरमेंट ये रहेगा स्टूडेंट कि सम टाइम्स आपको बाई इक्वल टू ऐसे दिया रहेगा, ए साइन ओमेगा वन टी कॉस ओमेगा टू टी ऐसे दिया रहेगा, एग्री ना, या सम टाइम्स इस फॉर्मेट में भी रहेगा, टू
वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा वन टी कॉस ओमेगा टू टी, या समटाइम्स इस फॉर्मेट में भी रहेगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा वन टी साइन ओमेगा टू टी, करेक्ट? यहाँ तक लिखिए, तो आपको नहीं लगता कि सर ए जो ऐसे दिया हुआ है इट इज जस्ट काइंड ऑफ दिस, करेक्ट? तो यहाँ से स्टूडेंट का मिस्टेक क्या हो जाएगा कि ये ओमेगा वन और ओमेगा टू को ही वो फ्रीक्वेंसी मान लेंगे, ओमेगा वन से मी वन निकालेंगे, ओमेगा टू से, ये कॉमन मिस्टेक है। तो एक्चुअल में ए जो दिया हुआ है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वेव, कम्बिनेशन ऑफ, तो उसके लिए आप ऐसे कीजिएगा, यहाँ देखिए इस ए इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसको ऐसे तोड़ कर लाना है, करेक्ट है ना? ऐसे तोड़ कर लाइएगा तो वहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि साइन ए कॉस भी है तो नहीं लेता कि ए इसके साथ मैच कर गया, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, टू से डिवाइड कीजिएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टू यहाँ पे आपको नज़र आएगा, और उसके बाद इसके बदले क्या लिख सकते हैं, चलिए इसके लिए, तो इसके बदले आप ऐसे ले सकते हैं साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी अब प्लस साइन ओमेगा वन अब माइनस ओमेगा टू इंटू टी, हाँ या ना, करेक्ट? ऐसे इस फॉर्मेट में कर लीजिएगा, और ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी कर लीजिएगा, और ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू कर मॉडुलस लीजिएगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को निगेटिव नहीं होता है, ठीक है? लेकिन एक में माइनस रहेगा, एक में क्या रहेगा, ये जो यहाँ ये करने के बाद जो नज़र आएगा वही आपका एक्चुअल में उन दो टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, डायरेक्टली ए वैल्यू कहलाएगा या ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू आप एंड ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ए फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, दिस वन नहीं, किसको, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, करेक्ट है ना? तो ऑलवेज किसके प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं, साइन या कॉस रहेगा उसको किसके प्लस के फॉर्म में रह करना है, तब आपको पता चलेगा कि एक जो दो वेव का कम्बिनेशन था वो उन दोनों वेव का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है। आप लोग मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या, किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप समझे अभिज्ञान, आपको समझ में आके बात, लिखिए लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस बाय इक्वेशन, लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस, लाइट डिस्क्राइब्ड एट ए प्लेस बाय द इक्वेशन कॉमा, लाइट डिस्क्राइब एट ए प्लेस बाय द इक्वेशन दिस वन फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसमें दो तीन मिनट इस क्वेश्चन पर पहले सोचिए, और जिनसे लगता है कि सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कीजिए। एक मिनट, सॉल्व तब करेंगे ना जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है। क्या निकालना है? नहीं समझा अभी तो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो कैलकुलेशन बाद में करने से हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आर यूजिंग? इसमें क्या इसको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या दोनों के बीच में प्लस का साइन है ऑलरेडी? इसका मतलब इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेव, राइट? जिसका एक का ओमेगा वन ए रहेगा, हाँ है ना, ओमेगा वन 5×10^15। क्या यहाँ से न्यू वन निकाल लीजिएगा? हाँ ना, कुछ बोला कीजिएगा भाई, तभी तो कॉन्फिडेंस मिलेगा टीचर को। 8×10^15 तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? और मेटल ऑनलाइन स्टूडेंट, मेटल तो कॉमन है, तो भाई जब म्यू वन भेज रहे हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग के वन मैक्स रहा होगा। यहां देखिए सॉल्यूशन करते हैं तो यहां देखते नहीं हैं। जब म्यू एक टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो हर फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग के वन के मैक्स आएगा। अब म्यू टू जब भेज रहे हैं सेम मेटल पे तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी तो के मैक्स मिलेगा। फ्रीक्वेंसी अलग तो के मैक्स अलग, करेक्ट? तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ के मैक्स। लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि मैक्सिमम भाई जिसका काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू बताइए। तो इन दोनों के मैक्स में से जो ज़्यादा रहेगा वो दिस इज माई आंसर। समझे बात को? क्योंकि आपके पास ओनली वन टाइप ऑफ के मैक्स है या टू डिफरेंट टाइप ऑफ के मैक्स है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एथी बर्मा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं पूछा गया है कि एक या दो, पूछा गया व्हाट द वैल्यू ऑफ के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो टू डिफरेंट टाइप ऑफ के मैक्स है उसमें से जिसका ज्यादा वैल्यू रहेगा दिस इज द राइट आंसर। क्लिक किया मैंने, क्या बोला, समझ में आ गया क्वेश्चन? आपके पास कितना टाइप का के मैक्स है? टू टाइप। मान लेते इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है, इसका वैल्यू है, इसका 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट क्वेश्चन में बोला हूं के मैक्स का वैल्यू बताइए। यहाँ यहाँ मिलाकर जितना भी है इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे ज़्यादा के मैक्स किसका, क्या आपका आंसर रहेगा? इन सब में जो सबसे ज़्यादा होगा, इन सब में सबसे ज़्यादा होगा तो इस कैटेगरी में तो इस ए ज़्यादा रहेगा और इस कैटेगरी में, बट मुझे पूरे में चाहिए सबसे ज़्यादा। दिस इज द क्वेश्चन, समझे? बट इतना कोई एक्सप्लेन तो करेगा नहीं भाई, इतना एक्सप्लेन करने में तो सोल्यूशन कर रहा हूँ।
तो ये तो आपको सोचना है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए मैं आपको ये समझा दिया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया जाएगा, और तब पूछा जाएगा फाइंड द केमैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो कैसे करना है, जितना टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी उतना टाइप ऑफ केमैक्स, उसमें से जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगा दिस इज द राइट आंसर। अब कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन तो बता दिए हैं, फ्रीक्वेंसी बताया हुआ है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी आपको दिखेगा, लेकिन आपको पेशेंस रख कर करना पड़ेगा। बोले क्यों, लैम्डा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, के वन मैक्स इक्वल टू ए तो कर सकते हैं ना भाई, एच न्यू वन माइनस फाइव, करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी जूल में निकाल कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, हो पाएगा। और इसको भी क्या करना है, तो देखिए एक मिनट, मैं आपके जगह पर रहता तो इसके लिए क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करता, कॉमन सेंस की बात है, आपसे कैलकुलेशन का थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी, ये तो पता ही हो गया कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो इसी का के मैक्स ज़्यादा रहेगा, तो ये फिर क्यों काम करेंगे, तो पहले ही डिसाइड हो गया, नहीं समझे। मैं तो वहाँ पे एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो थोड़ा दो मिनट बचाएंगे अभी, तो इसमें का इसका काम करने का रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट इसका काम करेंगे, क्या बोले, ये तो जस्ट समझ लिए कि हाँ किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। क्या बोले, इसका आंसर दिया हुआ है, कैलकुलेट करके मिला लीजिएगा, आंसर है 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर लिख लीजिए। मॉडर्न और वेव और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अल्टीमेट कलेक्शन है एचसीवी का, मच मोर है, उतना ज़्यादा आपको कभी नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन और बनाइए, कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ए बीम ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज 450 नैनोमीटर, ए बीम ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज 450 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैविंग वर्क फंक्शन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, यहां तक समझ में आ गया। द मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कौन सा, केमैक्स वाला। द मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इमिटेड परपेंडिकुलरली टू द फील्ड, द मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इमिटेड परपेंडिकुलरली टू द फील्ड, एंड बेंट BENT। ये तो सिंपल से बात है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाएगा तो सर्कल ही बनाएगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड कवर कर चुके हैं। एंड बेंट इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एंड बेंट इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड है, क्रॉस फील्ड है, ठीक है,
अरे मेरा मेटल है, आई इस पे मैं लाइट भेज रहा था, और लैम्डा तो दिया हुआ है, करेक्ट। यहाँ से जो मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था केमैक्स वाला इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से आउट हो तो ऑब्वियसली एक सर्कुलर पाथ में जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो कैसे जाएगा वो देख लीजिएगा, मुझे उससे तो मतलब है नहीं, बट ये पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर बी फील्ड में परपेंडिकुलर करता है तो क्या ट्रेस करता है, सर्कल बनाता है, राइट। तो सर क्या था वैल्यू, आर का वैल्यू एम वी बाई क्यू वी ना, एम वी बाई क्यू वी मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ ले लीजिएगा, और सारा वैल्यू ऐसा सिस्टम में काम करना है तब बी का वैल्यू ऐसा सिस्टम में आएगा। तो भाई बी इक्वल टू यहाँ पे क्या एम वी बाई क्यू आर नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। और एक एम वी किसका था, मोस्ट इनर्जेटिक, तो भाई एम वी इक्वल टू रूट ओवर टू एम के नहीं लिख सकते हैं, पढ़ाए तो थे कि ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर टू एम के बाई क्यू इन टू, ठीक है। अब इसमें आपको K निकल जाएगा, K max, लेकिन सारा वैल्यू ऐसा ही सिस्टम मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, K तो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जूल में, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगा आप लोग से, अब देखिए ये तो ऐसे मत कीजिए आप लोग, कम से कम क्वेश्चन अच्छा है तो इसका रेस्पेक्ट कीजिए, क्यों नहीं कैलकुलेशन होगा भाई। के का वैल्यू पहले बताइए, देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको तो पुट करना पड़ेगा 9.1 × 10⁻³, सारा वैल्यू ऐसा सिस्टम में। क्यू का वैल्यू ई के बाद ई का 1.6 × 10⁻¹⁹, और आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर मत पुट कर दीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब इतना तो स्टूडेंट लाइफ में आपसे एक्सपेक्टेशन किया जाएगा, घर पे कैलकुलेशन कर लेंगे टाइम निकाल कर, पक्का, ठीक है। आंसर लिख लीजिए 1.46 × 10⁻¹⁵ टेस्ला, 1.46 × 10⁻¹⁵ टेस्ला। एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन लिखिए, ए पॉइंट सोर्स कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ए पॉइंट सोर्स कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ स्मॉल मेटल पीस, फ्रॉम ए स्मॉल मेटल पीस, फुल स्टॉप। बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट सैचुरेशन करेंट एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट सैचुरेशन करेंट एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस between the source and the metal, between the source and the metal, between the source and the metal, graph में दिखा देता हूँ, इसमें से ग्राफ आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस रहेगा भाई,
इस ग्राफ का नाम ए है, इस ग्राफ का नाम बी है, इसका सी है, इसका डी है, इन चारों में से कौन सा ग्राफ करेक्ट रहेगा? डी क्यों, एक्सप्लेन कीजिए प्रॉपर। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, ये बढ़िया क्वेश्चन, ए बी एच सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव है। नहीं नहीं ऐसा, आपका आंसर मुझे सही लग रहा है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा और एक बार क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ देखिए, आप लोग को इस बात से तो वाकिफ हैं, पहले बताया था ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। और तो किसी भी तरीके से अगर मैं इंटेंसिटी और आर का ग्राफ बता दें तो नहीं था कि इंटेंसिटी और आर के साथ जो रिलेशन रहेगा वही इसका आर के साथ मोटा मोटी हो जाएगा, ऑलमोस्ट करेक्ट। तो आपका क्वेश्चन में था कि आपका सोर्स क्या है भाई, बोले पॉइंट सोर्स, सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स है और वेरी स्मॉल मेटल का पीस रखा हुआ है, करेक्ट। यहां पे ये मेटल का स्मॉल मेटल पीस है, ये मेरा पॉइंट सोर्स है। तो यहां पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी आउट करेगा वो तो थ्री डायमेंशनली स्प्रेड होगा, करेक्ट है ना। ये मेरा मेटल का पीस है, तो इंटेंसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं इस पॉइंट सोर्स का पावर पी है, पॉइंट सोर्स का पावर क्या है, ये वेव में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से जो पर सेकेंड, एक मिनट, यहाँ से जो पर सेकेंड एनर्जी आउट होगा वही तो यहाँ इस सरफेस से पर सेकेंड आउट होगा, करेक्ट। तो क्या इंटेंसिटी के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई दिस वन, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट, और इसको क्या पढ़ लें, पावर, पावर ऑफ द सोर्स, इसका मतलब आई इक्वल टू पी वाई ए, और सोर्स का पावर तो कांस्टेंट है, तो पी वाई क्या 4πr² लिख सकते हैं, राइट। इसका अरे तो कांस्टेंट है ना, तो इंटेंसिटी वर्सेज आर का रिलेशन कैसा रहेगा, हाइपरबोलिक। जो इंटेंसिटी के साथ आर का रिलेशन हाइपरबोलिक है तो इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट के साथ भी कैसा रहेगा, हाइपरबोलिक ही रहेगा। नहीं बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसा क्वेश्चन है, समझ में आया रिलेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया, करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, डी हो जाएगा।
एक क्वेश्चन लिखे तो, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स बोथ आर बिकम्स डबल. द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट सोर्स आर बोथ बिकम्स डबल. फुल स्टॉप. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है द सैचुरेशन करंट रिमेन ऑलमोस्ट सेम. यह स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट है सैचुरेशन करंट रिमेन सेम. सेकेंड स्टेटमेंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डबल. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स डबल. अब ऑप्शन सुनिए. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. पहला ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. ए इज ट्रू बट, यहां देखिए अभिज्ञान क्लास में थोड़ा तो पता चलना चाहिए, देख ही नहीं पाता हूं आपको. आई कॉन्टेक्ट तो बनना पड़ेगा. ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू. थर्ड ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. बनाइए. क्या होगा? भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर डबल कर देंगे तो सैचुरेशन करंट तो डबल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये तो क्या बोला गया है, रिमेन ऑलमोस्ट सेम, तो फॉल्स हो गया ना. ये क्या रहेगा, फॉल्स. व्हाट अबाउट सेकंड? और इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक बार सॉल्व करवाया हूं. यहाँ देखिए स्टूडेंट, ऐसे मत कीजिए, मतलब ऐसे देख लीजिएगा, यही है ना, करेक्ट. अब इसको K2 मान लीजिए. K2 बाई K2, K2 और K1 का रेशियो निकाल लीजिए. अगर रेशियो मोर देन वन हुआ या मोर देन टू हुआ या लेस देन वन हुआ या लेस देन टू हुआ या इक्वल टू टू हुआ, प्रूफ हो जाएगा. ऐसा ही क्वेश्चन क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर बनाए हैं हम लोग, वही तो क्वेश्चन है भाई. तो कोई भी अगर टीचर, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लिख रहा हूँ.
तो कोई क्वेश्चन अगर ले रहे हैं तो वहाँ का कौन सा अगर दोबारा है तो वहाँ पे फिर पेन नहीं रुकना चाहिए। इसका मतलब आप उस क्वेश्चन को फिल नहीं कर रहे हैं कि किस पर्पस बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पे खोज खोज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, सेम टाइप नहीं कि सिर्फ वर्ब फंक्शन निकालिए, राइट। सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, ऐसे ही तो किए थे। तो के टू बाई के वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2hν-5 और डिवाइडेड बाई hν-5। और उसको जहां तक मैंने बताया था कि आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, हाँ या ना, ए वन प्लस एच न्यू और डिवाइड बाई एच न्यू माइनस फाइव, एग्री। और ए वैल्यू नहीं लगता कि मोर देन वन है, तो ए वन प्लस मोर देन वन बिकम्स व्हाट, मोर देन टू, तो डबल रहेगा या मोर देन डबल हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है, करेक्ट है ना, डबल होगा या मोर देन डबल होगा, मोर देन डबल हो जाएगा। तो इस ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर करवाए हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ऐसे नहीं कीजिएगा तो प्रूफ नहीं कर पाइएगा, बट ऐसे करने से आपको बहुत स्मार्टली प्रूफ हो जाएगा। ये वैल्यू मोर देन वन है और उसमें वन ऐड कर रहे हैं तो मोर देन टू हो गया, तो डबल रहेगा या डबल से ज़्यादा हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा। ओके एक और क्वेश्चन बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एसोसिएटेड विथ ए लाइट वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एसोसिएटेड विथ ए लाइट वेव इज गिवन बाय, एक मिनट रुकिए, लाइट इज द कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव का कम्बिनेशन ही लाइट है, वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इज गिवेन बाई ई इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर साइन 3×10⁻¹⁵ साइन 6×10⁻¹⁵ t, ये दिया हुआ है स्टूडेंट, यहां तो समझ में आ गया। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2 eV, लिख लीजिए क्वेश्चन लिखिए। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2 eV, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, क्या इसी को W1 W2 मान लिया जाए या इसको इन दोनों को प्लस के फॉर्म में, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो प्लस के फॉर्म में क्या ऐसे कर सकते हैं, 50 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, हाँ या ना, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी, तो 2sin A sin B इक्वल टू क्या लिखवाया होता है, इतना तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा, 2sin A sin B इक्वल टू व्हाट, लिखिए 2sin A sin B साइन ए साइन बी है, मुझे लगता कि यहाँ पे होना चाहिए कॉस ए प्लस बी, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, अब प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ए प्लस बी, ये होना चाहिए, ठीक है।
कॉस ए माइनस बी का फार्मूला तो जानते हैं आप लोग, क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, करेक्ट। और कॉस ए प्लस बी का क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो माइनस माइनस बिकम्स क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है कि क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे कॉस के फॉर्म में है, निगेटिव होने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे बिना टेंशन का आप इसको ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू टेन टू आर 15 माइनस 6 इंटू टेन टू आर 15 टी ए माइनस बी हो गया। अब माइनस क्या डायरेक्टली 9 कर दें, 9 इंटू टेन आर 15 तो 50 कॉस 3 इंटू यहाँ देखिएगा सर तो माइनस था तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। तो 3 इंटू टेन टू द पावर 15 टी कॉस 9 इंटू टेन टू पावर 15 टी। नाउ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव जिसका वन ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 1 और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 2, करेक्ट है ना। अब यहाँ देखिएगा मेरा क्वेश्चन में क्या था, तो मेटल तो सेम है तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप का केमएक्स रहेगा, इसके क्रॉस्पॉन्डिंग अलग केमएक्स ऐसे क्रॉस्पॉन्डिंग, बट क्या आपको टू डिफरेंट टाइप पूछा गया है या उन सब में सबसे ज़्यादा जिसका है मतलब बस इसके क्रॉस्पॉन्डिंग ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, बट ये फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का दो टाइप का तो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अब इस टाइप का आएगा तो क्लिक कर जाएगा माइंड में, लेकिन माइंड में क्लिक तभी करेगा ना जब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता रहेगा क्या लिखना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए आइसोलेटेड मेटालिक, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए आइसोलेटेड मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस ए स्मॉल ए फुल स्टॉप द थ्रीसोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, द थ्रीसोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। जो लाइट से फॉल करा रहे हैं उसका लैम्डा अलग है बट साथ में थ्रीसोल्ड वेवलेंथ भी दे दिया गया, थ्रीसोल्ड वेवलेंथ देने का मतलब वर्क फंक्शन निकालने के लिए आपको बोल दिया गया, करेक्ट। तो वर्क फंक्शन हमारे मेरे हाथ में है, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बिफोर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप। ये बिल्कुल हार्ड कर क्वेश्चन है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बिफोर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप। पहले कॉपर का स्फेयर बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन को दो चार बार पढ़िए और ट्राई कीजिए। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बिफोर, क्वेश्चन इतना बढ़िया से आप लोगों का दिया ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब बोलते रहते हैं क्वेश्चन उतना ध्यान से सुनिएगा, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए स्मॉल ए फुल स्टॉप द थ्रीसोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, करेक्ट। इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन लैम्डा,
ये बात क्यों मेंशन किया हुआ है, ताकि सीओ ने को लैंडा इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगा इंडिकेटर। फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, फाइंड द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बिफोर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। Thank you.
Gracias.
एक ही क्वेश्चन तो आप लोगों को भरे से छोड़े ओके एवरीवन नीट वाले बच्चे क्वेश्चन आपको पूछने का चांस कम रहेगा इसलिए घबराने की बात नहीं चलिए यहाँ देखिए एक्चुअल में एक स्फीयर है रेडियस ए है करेक्ट अरे जब न्यूट्रल फॉर्म में था तो उसका वर्क फंक्शन था एच सी बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया हो तो वर्क फंक्शन निकल जाएगा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होने का ये मिनिमम एनर्जी था राइट मान लेते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वन इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन का वापस दे तो नहीं रहे हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि नहीं सर्किट कंप्लीट कर दिया वापस वो इलेक्ट्रॉन गया तो आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली लॉस हो गया तो दिस आइसोलेटेड बोला हुआ है सराउंडिंग में और कुछ नहीं है सर्किट कंप्लीट नहीं है तो उस इलेक्ट्रॉन को जाने के वजह से यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसके वजह से यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया तो वन प्रोटॉन का वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा हाँ या ना और ये मेटल का क्वालिटी होता है कि जब आइसोलेटेड रहता है तो चार्ज सरफेस पे रहता है अंदर में नहीं रहता है करेक्ट अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आपको उतना ही मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या थोड़ा अलग हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा रहेगा नहीं क्यों ज़्यादा रहेगा सर ये तो न्यूट्रल से आउट हो रहा था ये तो इसमें अब इतना तो लगेगा ही साथ में इसका भी तो अट्रैक्शन हो गया वो जो वर्क फंक्शन रहता है वो क्या रहता है न्यूक्लियस के साथ क्या अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रहेगा ही साथ में सर्फेस का भी अट्रैक्शन रहेगा तो अब वर्क फंक्शन क्या हो गया चेंज हो रहा है तो अब यहाँ पे
मैं इसको ऐसे चीज़ों को सोच रहा हूँ, तो मिनिमम अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये तो लगेगा ही लगेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना इसका पोटेंशियल सरफेस का हुआ वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा, भी द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। अब इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा दिस इन न्यूट्रल फॉर्म में, और इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो यहाँ पे वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उसका पोटेंशियल के अगेंस्ट भी आपको काम करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से ठीक है, लेकिन मेरे पास सफिशियंट अभी है। और इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आउट होते होते यहाँ तक एन इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टॉप हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन एन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो फोटोन मैं भेज, यहाँ देखिएगा रागनी मिश्रा, ये तो ऊपर से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो एन इलेक्ट्रॉन अगर आउट हुआ है उसके बाद अगर इमिशन स्टॉप हो गया, इसका मतलब मेरे पास जो फोटोन मैं भेज रहा था लैम्डा वेवलेंथ का, उसका एनर्जी ख़त्म है या ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आफ्टर द इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नाउ इट पोटेंशियल बिकम्स व्हाट भी, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा, एन प्रोटॉन का, बोलिए इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा था प्रोटॉन का चार्ज रहेगा ना, तो उसके वजह से पोटेंशियल हो गया कैपिटल भी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कब तक इलेक्ट्रॉन का इमिशन होते रहता, जब तक एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, न्यूट्रल फॉर्म का बॉक्स फंक्शन अप प्लस इनटू भी, हाँ या ना, जब तक एनर्जी ऑफ फोटोन इसके बराबर रहेगा, जहाँ पर भी क्या है पोटेंशियल डेवलप ऑन द सरफेस आफ्टर इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मान लेता हूँ कि जब इसके बराबर जब हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इसके बराबर, इसके बाद अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आउट होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू इतना बड़ा हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन से एक क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब वहाँ से इमिशन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे सर, यहाँ से निकाल लेंगे भी, बोलिए क्या निकालेंगे, भी निकल जाएगा, वी इज व्हाट पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ, यहाँ पे ई से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वन बाई वन इलेक्ट्रॉन आउट कर रहे हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन आउट कर रहे हैं, कैसे ए मैं हाइपोथेटिकली इमेजिन कर रहा हूँ कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए तो दिया हुआ है, यहाँ देखिए एच सी बाई लैमडा, एच सी बाई ए कितना, एच सी बाई लैमडा नॉट अब प्लस ई इंटू भी, यहाँ तक आइए। तो भाई यहाँ से भी पता चल जाएगा कितना होगा, एच सी बाई लैमडा माइनस एच सी बाई लैमडा नॉट और डिवाइड बाई ई, चलिए ये वैल्यू तो निकल गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एक तो सही है V इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन ए, तो यहाँ से Q निकल जाएगा V इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, करेक्ट। और यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या अप्लाई कर देंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद लिख सकते हैं नंबर ऑफ, यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ वन ऑफ द प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू व्हाट चार्ज ऑफ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आउट होगा उतना ही तो प्रोटॉन का चार्ज डेवलप हुआ होगा, दैट्स व्हाई। अरे भी का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू भी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
ए डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन, करेक्ट। अब भी का वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पे दे दीजिए, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। इसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी का वैल्यू कितना पुट करेंगे, भी का वैल्यू हो जाएगा कितना था, एच सी बाई लैमडा माइनस एच सी बाई लैमडा नॉट और डिवाइडेड बाई क्या था ए आई इंटू वाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो एच सी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए एच सी बाई ई स्क्वायर कर दें, इसका भी चार्ज और इसका चार्ज डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, ई स्क्वायर 1 बाई लैमडा माइनस 1 बाई लैमडा, यही आंसर है, दिस इज द आंसर। तो ये एच सी प्रॉब्लम का वर्कआउट में क्वेश्चन था, मतलब जेई मेन के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट वाले बच्चे देख लीजिए। तो नहीं लगता कि यहाँ सर दो, बस दो सिंपल सा चैप्टर का, बस इसमें एक्स्ट्रा कुछ यही था कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता रहेगा तो सरफेस का पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा, तो सरफेस का भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अभी तक तो अंदर से बाहर आने के लिए अट्रैक्शन होता न्यूक्लियस के साथ, अब इसे अट्रैक्शन को भी ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और जहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन इसके बराबर हो गया तो उसके बाद उस फोटोन के पास पावर नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन को एटलीस्ट सरफेस से डिटैच करने का, आउट करने का, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टेट का छोटा सा कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल इक्वल टू किसी भी स्फीयर पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ से हम लोग क्यू निकाल लिया, क्यू के बाद क्या लगा दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है। तो आपके आपको दिया हुआ है 30 प्रॉब्लम का सीट मोटा मोटी, उसको ख़त्म कर लीजिएगा, और आपके लिए मैं शेयर कर दूंगा यंग वाले बच्चों के लिए, आप उसको मैं फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे स्पेशली मैं एक प्लेलिस्ट फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसमें लिख दूंगा दिस इज ओनली फॉर, और उसमें लेक्चर लास्ट 2 लेक्चर सिर्फ आपको फॉलो करना है, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर जेईई मेन स्टूडेंट। ओके एवरीवन।